नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो वक्त हो चला है प्रदेश की बड़ी खबरों पर नजर डालने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। फरुखाबाद में पांचाल प्रेस क्लब का विस्तार जारी है। पांचाल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने हर प्रभात राजपूत को अध्यक्ष, दीप चंद दीक्षित को महामंत्री और ओम वीर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस अवसर पर शेखर ने कहा कि माहौल बदल रहा है और अब हम हर उत्पीड़न का जवाब देने के लिए तैयार है। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जो पत्रकार साथियों को गंभीरता से नहीं लेगा उसे सबक सिखाना हमें आता है। बता दें कि नवाबगंज के VRM कॉलेज में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पांचाल प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि हमने संगठन को पारिवारिक भाव से चलाने की शुरुआत की है। हम अपने सदस्यों का जन्मदिन संयुक्त रूप से मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के अधिक संगठन होना पत्रकारों की सक्रियता के प्रतीक है। BED प्रवेश परीक्षा में एक प्रमुख अखबार के पत्रकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार और एक न्यूज पोर्टल का दफ्तर बंद कराने की निंदा करते हैं। मैंने मौके पर रहकर बदतमीजी करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गुप्ता, अनिल मिश्रा सहित अन्य उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमने अपनी दिशा तय कर ली है। अब पत्रकारों का उत्पीड़न और पत्रकारों के साथ बदतमीजी ये कहीं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज दो घटनाएं हुई हैं BIC फरुखाबाद पर, और हमने जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं हमने उन्हें बहुत सीधी सादी भाषा में समझा दिया है कि अगर अब पत्रकारों से इस तरीके की सौदेबाजी होगी, पत्रकारों के साथ विवाद किया जाएगा, उन्हें अपमानित किया जाएगा, तो ठीक नहीं हुआ। वहाँ दैनिक जागरण के पत्रकार अंशुल गंगवार के साथ एक दरोगा जी ने बदतमीजी की, और उसके बाद में एक हमारा पड़ोस में एक साथी का अखबार का तो दफ्तर है, चैनल का, पोर्टल का, उसे अनावश्यक रूप से वहाँ पर खबरों के प्रेषण का काम हो रहा था उस समय, उसे अनावश्यक रूप से सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बंद करवाने की कोशिश की। तो ये दोनों चीज़ें हमने संज्ञान में ली हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज कहना चाहेंगे। और यहाँ जब हम यहाँ कमेटी घोषित कर रहे हैं अपने नवाबगंज की, तो ये बहुत यहाँ से सीधा संदेश देना चाहेंगे उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो मीडिया का मतलब नहीं समझ रहे हैं, जो पत्रकारों के संगठन का मतलब नहीं समझ रहे हैं। हम पहले दिन से ही कहा था कि जो फरुखाबाद की बार एसोसिएशन है उसके मुकाबले उसी तरह का संगठन पत्रकारों का खड़ा करना चाहते हैं। अगर आपने किसी पत्रकार को छेड़ने की कोशिश की तो उसका हश्र क्या होगा आगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्रकारों के संगठन ने अभी तक इस तरह का काम किया नहीं। तो आज ये जो घटनाएं GIC फरुखाबाद पर हुई हैं उनको लेकर के हमें बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब ये दोनों मामले, इन मामलों में अगर या तो माफ़ी मांगी जाए, और माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती है तो हम तैयार हैं, हर मोर्चा झेलने के लिए तैयार हैं, और हम लड़ाई जीतने के लिए लड़ते हैं, हम लड़ाई हारने के लिए या बैलेंस करने के लिए नहीं लड़ते। बहुत साफ़ी बात, तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो दैनिक जागरण के हमारे साथी के साथ हुई हो और चाहे हमारे पड़ोस में एक पोर्टल का दफ्तर बंद कराने को लेकर के, दोनों बातें बहुत गंभीर हैं और ऐसी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये संदेश आज के इस कार्यक्रम से चला जाना चाहिए। आज हम लोगों ने रणनीति बनाई है, अगर आगे से इस तरीके की स्थितियाँ न सुधरी, लोगों ने हमें गंभीरता से न लिया, तो परिणाम इसके भयंकर हो सकते हैं। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।